वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज मान करूं तो दे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे हमें अपराधी साध भूलते तुम बख्शन हारे हौ अपराधी गुणेगार हौ बेमुख मंदा चोर जार जुआर हो पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश गंदा विसास घाती किरत कण मैं को न रहंदा सिमर मुरीदा टाडिया सिमर मुरीदा टाडिया सतगुरु बख्शंदा असी खते बहुत कमाम दे किछ अंत न पारावा हर कृपा करके बख्श ले हो हम पापी बड़ गुण हैगा हम ऐसा दो हम ऐसे रामैया हों बार तेरा काहे
चाहे ना खंड से अवगुण मेरा। सुत अपराध करत है जीते जननी जीत न रख सते जेता समुद्र सागर नीर परया ते ते अवगुण हमारी दया करो किछ मेहरे ओ पावो डुबदे पत्थर तारे मेरे अवगुण नाच तारी सचे पातशाह अवगुण नाच तारी सचे पातशाह चरणा दे नाल जोड़ ले अवगुण नाच तारी सचे पातशाह चरणा दे नाल जोड़ ले राम कहत जन का सुना तरे रंग का तारे ओ बंग का तारे ओ सदन कसाई सुआ पटावत गन का उदरी तारी वीरा भाई देवा पाहन तारी अले राम कहत जन कस न तरे देवा पाहन तारी अले राम कहत जन कस न तरे तारी ले गन का बिन रूप कुबजा व्या दया जा मल तारी अले दासी सुत जन विदर सुदामा
उग्रसैन कौराज दिए जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी देव तरे तेरे नाम ने अनेका पपी तारे ने नाम ने अनेका पपी तारे साड़ी बारी कदों आऊंगी तेरे नाम ने अनेका पपी तारे साड़ी बारी कदों आऊंगी सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जुड़ बैठे सर्व मायूर पही आओ सब तो पहला कोई भी रसना बांझी न रहे एक बार सारे आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बड़ी कृपा महाराज दी हो रही है मिलके बैठण दा सुभाग समा सुभागियां घड़ियां आपां नूं प्राप्त हो रही ने सवाओ कुछ समा एकाग्रता बना के बैण दा जतन करिए। भगती जगत विच पहली स्टेज महाराज कहिंदे तैनूं सुनना पऊगा एकाग्रता बना के काम कोई भी करना होवे एकाग्रता बिना गल नहीं बनदी हुंदी। गड्डी चलाउंदे आ उदों भी एकाग्रता पढ़ाई लिखाई करदे आ उदों भी एकाग्रता कोई खेतीबाड़ी करदे आ उदों भी एकाग्रता चाहीदी है। उसे तरह महाराज कहिंदे है प्रभ की उस्तत करहो संत मी सावधान एकाग्र चीत। जद वाहिगुरु की सिफत सलाह करनी है उदों तेरा तन भी सावधान चाहीदा है ते तेरा मन भी सावधान चाहीदा है। कई बारी बंदे दा तन इत्थे हुंदा है ते मन किते होर ही चलिया जांदा है फिर गल नहीं बनदी हुंदी। जिवें पार्वती माता खेड़े ही पै गई भोले नारायण महाराज दे महाराज तुसी अमर पुरशों ते मेरा जन्म ते मरन नहीं मुकदा मैं मर जानी हां फिर जन्म लैनी हां फिर तपस्या करके मेरी तुहाडे नाल शादी हुंदी है मैं फिर बुढ़ी होके मर जानी हां तुसी जिउंदे त्यों ही बैठे हो मैनू भी अमर कर दिओ। भोले नारायण कहिंदे पार्वती अमर होण वास्ते अमर कथा सुननी पऊगी अमर पदवी नूं पाउण वास्ते कथा सुननी पऊ सब ते उत्तम हर की कथा
वाहेगुरु की कथा सारियां तो उत्तम है, तैनू मन ला के सुनना पड़ेगा। सब तो उत्ते अकाल पुरख का नाम है, ते नाम नू सुन वाला, नाम नू जपन वाला ओ तो भी उच्चा हो जाता है। तैनू कथा सुननी पऊगी। कहिंदी महाराज सुनाओ। शिवजी महाराज कहिंदे फिर हुंगारा दिंदी रही, असी कथा सुनावांगे तू हुंगारा दे जाई, तैनू पुन मिल जूगा। पार्वती कहिंदी सत वचन महाराज। भगवान जी ने कथा शुरू कर ली। थोड़ा जिहा चिर पार्वती हुंगारा दिंदी रही। कोई खोटा कर्म जाग पिया, नींद आ गई पार्वती नूं, ते हुंगारा कोई होर ही दिंदा रहा, लाहा कोई होर ही लै गया सी। पार्वती खाली दी खाली हो गई। कई बारी एदां भी हो जांदा है, जे किते साडा मन गैर हाजिर हो गया फिर पूरा पूरा लाहा नहीं मिलदा हुंदा है। इस वास्ते महाराज कहिंदे तन ते मन करके तैनूं सावधान होना पऊगा। नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, फिर रब दे गीत तैनूं पार ला देणगे। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, वाहिगुरु दे गीत तैनूं भव सागर तों पार कर देणगे। इस वास्ते महाराज कहिंदे तूं गाई चल, जस कर लो वाहिगुरु दा। उतले बख्शियां दी आवाज होर घटा दे, इन्हां दी वधा, फिर गल जी बणदी है। बारी बारी सारे बोलियो। हुण कोई अनजान नहीं, अपने च बड़े चिर तो तुसी दुआन सुनदे हो भाई। पहलां दास, फिर जत्था प्रेमी सज्जन बीबियां भैणां भाई सारे बोलियो। आ आवाज जी कादी आउंदी है, आ आवाज कादी है, है ट्रेन पहले ही रोक देनी सी, आपां धरना धुरना ला देना सी। ट्रेना रोकने दा बड़े कैड़े हैं आपां, साडी गड्डी रोक ली अज बठिंडे वालिआं ने। धरना किसे दा लग्गिआ, बाणी सानू पा लिया उन्होंने, असीं बड़ी दूर दी घूम के आए। चलो गज बज के आ धारना पढ़ के एकाग्रता बन जूगी, फिर आपां कथा शुरू करदे हां। सारे वारी वारी बोलिओ भाई, जस कर लो वाहिगुरु दा। प्यारे हो मन नू एकाग्र करके कार्य।
प्यारे मन एकागर करके जस कर लो वाहिगुरु दा प्यारे मन एकागर करके एकाग्रता बना के बहना हुंदा है फिर पूरा पूरा लाहा प्राप्त हुंदा है सत संगत दियां घड़ियां एक कुछ क समय ही फिर बंदे नूं पार ला दिंदा हुंदा है। कलगीधर जी कहिंदे आ एक चित जिन एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो एक छिन किते तेरी सुरत जुड़ गई तेरा जमण मरण मट जूगा। नामदेव जी महाराज गल करदे ऐ एक छनवी जी ने अकाल पुरख नूं ध्याया कहिंदे देवा पाहन तारियले देवा नौं दा पंडित है ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੜੀ ਦੂਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ तू तन करके दूर नहीं तू मन करके दूर है तेरी मन की दूरी है मन की दूरी महापुरश कहते होंगे सी मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं कहते मैं ते मेरा प्यारा असी एको गली विच रहने हैं गजब की बात है यारो मिलने को तरसते हैं रहने असी कोले कोले हैं पर असी एक दूजे नूं मिलण तो तरस रहे हैं एक दूजे नूं वेखण तो तरस रहे हैं। आत्मा ते परमात्मा है एको ही चीज आत्म और परमात्मा एक है नूर जहूर विच कर झाई कर्म की तां ते कहिए दूर है गए असी कोले ही एक ही जगह मैं ते मेरा अकाल पुरख एक खोटे कर्म की कंध करके बड़े दूर हैं साडा कदे मेल नहीं हुंदा ओह तां अकाल पुरख सारी जगह सृष्टि दे जरे जरे विच रब वसिया होया पर महापुरख कहिंदे आ एक जगह अकाल पुरख नहीं किथे एक तेरी सुरत दे विच एक तेरे चेते दे विच रब तेरे चेते विच नहीं ते रब तेरी सुरत विच नहीं इस करके तेरी दूरी बड़े जन्मां दी पई हुई है। ओ पंडित जी पूजा रोज करनी पर मन अजे बड़ा दूर है अकाल पुरख तो ते जेड़ा उस शहर दा राजा सी ना ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਦੇਵੇ ਪੰਡੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਮੀ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਚੜ ਚਖੜਿਓ ਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਬਹਿਣ ਲਖੇ ਸਰੀ
अपने अंदर भी मोह दियां तरंगां उठदियां, लोभ दियां छलां उठदियां, ये अंदर अपने चिकड़ी चिकड़ होया होया, तां आपां रब नाल जुड़ नहीं सकदे। इस मोह रूपी चिकड़ विच जिहड़ा फस गया, पंजवें पातशाह कहिंदे ऐ, पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਸਾਊਂਡ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਫਾਨ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਟਿਕ ਕੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਬਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਧਾਰਨਾ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਿਹੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਲੋਭ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਪਨਾਲੇ ਢਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਭਾਈ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਬਸ ਗਏ।
निकल नहीं सकता कोई। वो पंडित बेचारा सेवा करता है पर उहदा भरोसा कोई नहीं भगवान ते। राजे ने आउणा, इहने शामां नूं माला राजे नूं दे देनी, उहने गले च पा लेनी। समां बीतदा रहा, एक दिन राजा आया ही ना, ते पंडित माला फड़ के खलोता, हुण भी आउंदा हुण भी आउंदा। जद राजा ना ही आया, इन्हें दरवाजा बंद करता मंदिर दा। मन च सोचदा है बना, अज भगवान दी माला मैं पा लैना गल च, इन्हें आप दे गल च पा ली, गल च पा के सौ गया। जद बड़ी रात हुई, आके राजे ने गेट खड़काता, जदों घोड़े हिणके हो भज के उठिया तां राजा आ गया। हुण राजे ने माला मंगनी है, ऐ काली दिने लाई गले च। पहुंच गया गेट ते, पंडित जी अज गेट बंद कर ले फिर। नहीं नहीं महाराज, मैं तां उड़ीकदा ही सी तुहानूं वी आओगे तुसीं, आ मैं तां माला लई खड़ा। लो पाओ गल दे विच, पाती राजे दे गल च। जदों राजे ने आए वेखी, वो फुल्लां दी माला विच इक दाढ़ी दा बाल फसिया होया चिट्टा, क्योंकि पुराने पंडित पुराने ऋषि मुनि सारे केसां दाढ़ियां वाले हुंदे सी। ये बाल कटाउण दा रवाज साडे ब्राह्मणां च कदों दा पिया है? चलो ये भी विचार तुहानूं सुणावांगे, हजे दो तीन दीवान हैगे होर। पहला कोई केस नहीं सी कटाउंदा हुंदा, ये रवाज कदों दा पिया है? चलो ये विचार तुहानूं ठहर के सुणावांगे। पुराने पंडित ऋषि मुनि वो दाढ़ियां केसां वाले हुंदे सी, चिट्टी दाढ़ी सी पंडित देवा जी दी। राजा समझ गया सारी गल, कहिंदा महाराज पंडित जी, ये फुल्लां दी माला विच दाढ़ी दा बाल फसिया चिट्टा। पंडित डर गया भी जे मैं कहता मैं आप दे गल चों लाई है, सजा मिलू मिलू, इच दाढ़ी दा बाल है। ते काली काली पंडित ने फिर झूठ बोलिया, कहिंदे महाराज भगवान दे दाढ़ी आ गई, ठाकुर भगवान दे दाढ़ा आया है, ये बाल उन्हां दी दाढ़ी है। ले पंडित भी झूठ बड़ा ही बोल गया, ते राजा भी समझ गया, राजे नूं गुस्सा बड़ा आया भी चलो जे पंडित जी ने गल च पाई लई सी माला, फिर झूठ कहते बोलना सी, ये फिर भी रब दे नेड़े रहण वाले लोग ने, इन्हां नूं डर ही नहीं रब दा। अच्छा राजा कहिंदा पंडित जी भगवान दे सचमुच जड़ दाड़ा आ गया? कहिंदे हां जी आ गया, चिट्टे रंग दा दाड़ा आ गया। भगवान बुढ़े हो गए। राजा कहिंदा कराओ दर्शन। लै महाराज हुण नहीं होने दर्शन, हुण तां वेख लो 11-12 बज गए है, भगवान राम करदे आ, हुण नहीं दर्शन होने, कल नूं आ जाओ अमृत वेले दर्शन हो जाण। राजा कहिंदा कोई गल नहीं, कल सवेर दे टाइम ही आऊंगा मैं महाराज, दर्शन करके जाऊंगा भगवान जी दे, किवें दाढ़ी आई है चिट्टी। राजा मुड़ गया, हुण बेचारे पंडित नूं कित्थों नींद आउंदी है, ओ मना हुण पत्थरां दे दाढ़ी कित्थों आउंदी है, हुण राजे ने सवेरे दाढ़ी वेखण आउणा, दाढ़ी कित्थों ल्यावांगे, ते सजाए मौत मिल जानी है, झूठ बोल हो गया, गलती बड़ी वड्डी हो गई। उदों ही कह दिंदे जी चलो मेरी दाढ़ी दा बाल लग गया हुण, पर हुण की बणना है। वेख लो इक झूठ नूं छुपाउण वास्ते किन्ने झूठ बोलने पैंदे है, इक पाप नूं छुपाउण वास्ते बंदा बड़े पाप करदा है।
इस वास्ते महाराज कहिंदे आ पहला ही सोचिया कर, सोच समझ के कदम तरिया कर। नर अचेत पाप ते डरे, अचनचेत पापां तो भी डरिया कर, जेड़े तेरे चेते च ही नहीं है। इहदा दंड तैनूं भोगना पैंदा है। डर रे डर रे डर रे झूठ नूं छुपाउण वास्ते कई झूठ बोलने पैणगे, एक पाप नूं लुकाउण वास्ते कई करने पैंदे। कहिंदा हुण की बणूगा, इधर सुत्ता राजा भी नहीं, वह भी बैड ते घूमी जांदा। कहिंदा भी पंडित ने झूठ बड़ा तकड़ा बोलिया, कल नूं कहिड़ी सजा दे के इहनूं मारां। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਦਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਠ ਨੇ, ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਉ ਪਾਠ ਆਜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਉ ਪਾਠ ਆਜੂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ।
बंदा डरदा ही रब दी बंदगी करदा हुंदा है। हुण पंडित जी सारी रात रब नूं ध्याउंदे गए, ध्याउंदिआं ध्याउंदिआं मन उन्हां दा सहज विच चलिया गया। अगे उपरों उपरों पढ़ते होंगे सी, अज अंदरों अकाल पुरख नूं ध्याउंदे आ, महाराज मेरे वर्गा अपराधी कोई नहीं, ते तुहाडे वर्गा बख्शण हार कोई नहीं, हौं अपराधी गुणेगार, हौं बेमुख मंदा, चोर यार जो आर हो पर कर जो हंदा, आप दियां कमियां जे किते रब दे अगे रख दवे ना तेरा मुल पै जूगा। किते रब दे मूहरे खलो के ये बेनती कर दवे भी मेरे अर्गा माड़ा ही कोई नहीं, तू सारी दुनिया ची पूजा पूजन जोग होगा, अपने गुनाहां तो तौबा कर ले, खुदा तैनू बख्श भी दऊगा, लोगों बख्शन वाले बना दूंगा। ये देवा पंडित जी सारी रात रब दे अगे बेनतियां करते रहे, महाराज हुण कृपा कर लो, हुण मेरी पैज रख लो, तुहाडा पत्थर दा स्वरूप है, तुसी की नहीं कर सकते, जे तुहाडे दाड़ा ना आया राजा मैनू मार दूंगा, हुण मेरी लाज रखो, आ मेरा जिंदगी दा बेड़ा तुहाडे आसरे है। हुण देवा पंडित सारी रात रोंदा रहा, भगवान नूं ध्याउंदा रहा, तेरे आसरे आपां उतों तों जरूर कहने आ भी मेरा जिंदगी दा बेड़ा तेरे सहारे है। जे किते अंदरों गल च पल्ला पा के गुरु अगे आ बेनती कर दवे तेरे ते कृपा हो जूगी, जिवें देवा पंडा बेनतियां करदा है, तेरे आसरे मेरा बेड़ा जी गरीब, तेरे आसरे बेड़ा जी गरीब, बोलिया गया पर तू सब कुछ कर सकदा है, बेड़ा जी गरीब दा, बेड़ा जी अंदरों बेनतियां करता है,
जे कि अंदरों ढह जे ना तो रब अगे फिर तेरी पुकार सुनी जाऊगी। वेख लो फिर उथे उस मंदिर विच पंडित जी दियां पुकारां सुनियां गईयां। जदों उन्हां दा मन सहज तक पहुंचिया उस अवस्था विच जाके अरदास प्रवान होणी है। महाराज कहिंदे ऐ थिर कर वैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। ये उत्थों दा खेल है। ओदा सुनदे तुसीं जरूर हो बई विरथी कदे ना होवे जन की अरदास। बई अरदासां कीतियां कदे व्यर्थ नहीं जांदियां। कीदियां अरदासां? जन की अरदास। ते जन बनना ही ते औखा है, होर सब कुछ बनना सौखा है, जन बनना औखा है। किते जन बन जे फिर रब अगे पाया तरला ओह प्रवान होंदा है। जदों पंडित जी ने पुकारां कीतियां लै ठाकुर भगवान दी मूरत पत्थर दी मूरत उत्ते दाड़ा प्रकाश हो गया को सतनाम वाहिगुरु जी। हुण तुसीं कहोगे आए किवें हो जूगा? रब सब कुछ कर सकदा जे उहनूं पाउंदा। पहला पूत पछहरी माई गुर लागो चेले की पाई। देखो सिंघ च रावत गई रब की नहीं कर सकदा। जदों दाड़ा प्रकाश होया चिट्टे रंग दा बस फिर अमृत वेले मूर्ति आए प्रकाश करती मंदिर विच सजाती पंडित जी ने। हुण वेख लो रात वाला पंडित नहीं, रात लंघी जिहड़ा हुण पंडित है वह कुछ हो रहा है। क्योंकि कृपा होण लग्या कोई युग थोड़ा लगदे हुंदे है। एक छिन दे विच गुरु कृपा करके लैणे नूं गुरु अंगद बना सकदे है। एक छिन दे विच बाबे अमरदास नूं गुरु अमरदास बना सकदे है। एक छिन दे विच भाई जेठा धन गुरु रामदास बनाता सी। ते पंजां प्यारियां नूं अपना सरूप बख्शन लग्गियां कलंगीधर जी ने युग थोड़ा लाते सी। एक छैनी लाया सी। वेख लो इत जिन्ना मर्जी नेरा एक सुच ऑन कर दो बल्ब जगन की देर है चाननी चानन हो जूगा। कोई नहरे नूं भजन लगियां युग थोड़ा लगदा। एक सुच दे ऑन ते ऑफ करन नूं किन्ना कु टाइम लगता है? गुरु भी इन्ने की समय च कृपा करदा हुंदा है। हुण उह पंडित जी महाराज रात वाले पंडित नहीं, हुण उहनां ते कृपा होई हुई है। वेख लो फिर अमृत वेला हो गया, राजा भी आ गया साजरी पहुंच गया मंदिर विच। पंडित जी कहिंदे महाराज अज साजरी आ गए, मैं दर्शन करन आया भगवान दे दाड़ा किवें आया? लो कर लो दर्शन, भगवान तां सामने है। जद राजे ने दर्शन किए ठाकुर भगवान की पत्थर की मूर्त बिलकुल सफेद रंग का चिट्टा दाड़ा प्रकाश होया। राजा भी समझ गया राजे मन दे नहीं होंदे छेती। वो कहिंदा बड़ी चलाकी ना पंडित ने किसी कैमिकल दे नाल बाल जोड़ते, ये नकली बाल लाते, किते पत्थरां दे भी दाड़ी आउंदी हुंदी है। हस पिया राजा पंडित जी आते कमाल ही करती, किसे कैमिकल दे नाल लिया के दाड़ी जोड़ी है, मैं वेखां ते सही अगे हो गया राजा। उन्हें फिर भगवान दे दाड़े नूं हाथ पा के जदों दो क बाल खिचे ना भगवान दे चेहरे दे विचों खून वगन लग गया। फिर चरनी टह पिया राजा। उत्थे फिर आकाश बाणी होई सी, राजन तू साडे दाड़े नूं हाथ पाया है, तू ते तेरे खानदान चो जेड़ा भी साडे मंदिर जाके दर्शन करूगा पागल होके मरिया करूगा, साडे दर्शन ना कदे करियो। उस पंडित दा नामदेव जी महाराज कहिंदे नाम ने भला कीता, देवा पाहन तारी अले, देवा पंडित वाहिगुरु तेरे नाम नहीं तारता सी। राम कहत जन कस ना तरे, तेरे नाम ने पता ही नहीं किन्ने क तारे है। ये वडियाई तेरे नाम दी है। तारे प्यारे
वाहिगुरु पता ही नहीं तेरे नाम ने किन्निया क दप लग लगा तारे प्रीतमा लखा पापी तेरे नाम ने पापियां दा भला करता है। हजूर कहंदे है मन रे प्रभु की शरण विचारो जय सिमरत गनका सी उधरी तां को जस उरतारो। बड़े बड़े पापी गनका वर्गियां दा भी भला हो गया। गनका दे पाप किन्ने किसी भाई गुरदास जी कहंदे कोई गिन ही नहीं सकता। कहंदे गनका पापन होए कै पापां दा गल हार परोता। उन्हें गल दे विच हार ही पाया होया पापां दा। बड़े पाप उहदे ते होया की कोई रब दे प्यारे साधु महात्मा घुमदे घुमदे बेशवा दे नगर विच चले गए। पिंड दे लोकां नूं कहिंदे भाई असीं रात कट्टणी है कोई सानूं जगह दस दिओ जिथे असीं शांति नाल बह के रब दी बंदगी कर सकीए। कोई चंगी धरती होवे पवित्र। ते पिंड दे नौजवानां ने मजाक करिया बाबा जी नूं। कहिंदे बाबा जी साडे पिंड विच सब तों चंगी जगह पवित्र जगह बेशवा दा कोठा है उथे जाओ उथे बह के बंदगी करो। हुण साधु महापुरख उन्हां नूं की पता इन्हां ने मजाक कीती है। लोग करदे हुंदे आ मजाकां साधुआं संतां नूं भी। साडे मालवे च इक पिंड है धनौला उथे बड़े महापुरख गए बाबा महा हरनाम सिंह जी महाराज। ये नानक सर महापुरखां तो भी बड़े हुए।
बहुत कमाई वाले महापुरुख उन्होंने मथे नहीं सी लग सकता। वो नगर विच गए, समा गर्मी का सी, महापुरुखा ने पिंड के बच्चों तो नौजवानों तो पानी मंगया, कहते पानी पिला दो। पिंड के नौजवानों ने मजाक करती, कहते बाबा जी आ छप्पड़ भरिया खड़ा है, गंदा पानी बो मार दी है, आही पी लो कहते प्यास मर जूगी। महापुरखा ने सहज सुभाए वचन करता, कहिंदे ये पानी भाई साडे पीण वाला नहीं, ये पानी तुहाडे पीण वाला है, ये डंगरां दे पीण वाला है, तुहाडी विरती डंगरां वाली है, तुहानू सारी नहीं डंगरां वाली पशु विरती, नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। ये अर्थ तुसी पता कि सुनते हो भी जे कि पशु मर जे वो दस काम सवार, जे कि बंदा मर जे कहते किसी काम नहीं आता, नरू मरे नर काम ना आवे। पर महापुरशे का अर्थ इवें नहीं करते, नरू मरे तू अपने आप को नर अखवाना है बंदा अखवाना है, जे तेरे चो बंदियां वाले गुण मुक गए नरू मरे नर काम ना आवे, फिर तू किसे काम दा नहीं। पशु मरे जे तेरे चो पशुआं वाली बिरती मर गई ना, दस काज सवारे तू ही दस काज सवारन वाला बन जाएगा, तू ही बड़ा कीमती हो जाएगा। जे तेरे चो डंगर बिरती मर गई, जे तेरे चो पशु बिरती मर गई, तू दस काज सवार देगा। महापुरख कहते हैं तुहाडे वर्गे डंगरां दे पीण वाला है, तुहानू सारी उन्होंने मजाक कीती सी, की पता रब दे प्यारियां दा। साधु दुनिया च रहिंदे ने, रब दे प्यारियां दा भेत कोई नहीं हुंदा, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार, तेन नेहो लगा रब सेती देखने दीदार, की पता केड़े पेस च रब तुरिया फिरदा। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए पाए, ना जानो किस भेस में नारायण मिल जाए, खबरा रब ने तेनू केड़े रूप च मिल जाना। ये तुहाडे पीण वाला पानी है। बाबा जी अगे चले गए, कोई जीवीदार लंघिया जांदा है, उन्हें नाले महापुरखों के हाथ पैर सुचे कराए, ते नाले उन्हें पानी पिलाया, बाबा जी बैठो साढ़े घर दुध पानी छक लो। अजे बाबा जी बैठे सी, ते जिहड़िया नौजवानों ने टिचर कीती सी उन्होंने दर्द होने लग गई, घरे जाके लेटन लग गए, सारे पिंड च रौला पै गया, कहिंदे संतां नूं माड़ा बोले सी, ल्यांदे महाराज इन्हां दे दर्द हुंदी है लिटदे आ। बाबा जी कहिंदे छप्पड़ दा पानी पिला दिओ ठीक हो जाण जाण, लै फिर जिहड़ा जिहड़ा पी जांदा सी उही ठीक होई जांदा सी। रब दे प्यारियां नूं महाराज कहिंदे एवें मंदा बोलना बोली, साधु दुनिया च रहिंदे ने बेगाने बन के, दुनिया च रहिंदे बेगाने बन के, बेगाने बन के दुनिया च रहिंदे, बेगाने बन के दुनिया च रहिंदे, बेगाने बन के दुनिया जरे।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਕਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗਣਕਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਆਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੰਡਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਏ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਤੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੰਸ ਤੇ ਸੰਤ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। 12 ਸਾਲ ਹੰਸ ਬੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੰਸ ਤੇ ਸੰਤ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸੰਤ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੋਈ। ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਿਗਾਹਦੀ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗਣਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮੇਰੀ ਔਦ ਪਾਪਾਂ ਚ ਬੀਤ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਔਦ ਵੀ ਆਹ
अंदरली अवस्था आए गणका दसती है ते महापुरखां दे कोल युगती हुंदी है किसे युगती द्वारा नाम जपाया जांदा है किसे तरीके नहीं बंदा सीधा ही रब नाल जुड़दा तरीके नाल जोड़ना पैंदा तुहानू हुण किन्ने आउणे हो तुसीं वचन करन मेरे कोल ही ला लो बाबा जी आ हो गया जी आ हो गया जो हो गया किसे बहाने तुहानू बंदगी नाल जोड़ी दे भी इन्ने पाठ कर लिया करो सुखनी साहब दे कदे खंड पाठ करा दिया करो घरे भाई कदे लंगर ला दिया करो किसे गरीब नू कपड़े लाए दे दे हुंदे है किते हरिमंदर साहब जाके इशनान भी कराया करो कदे इत्थे बाबे शहीदां दे स्थान ते झाड़ू भी लाया करो जाके आए किसे तरीके दे नाल ही बंदे नू रब नाल जोड़िया जांदा हुंदा है महात्मा कहिंदे गणका नू धीए तेरा भला हो जूगा साडे तोते दी सेवा कर पिंजरा सी बाबा जी कोल ओह च रख्या सी तोता कदे आवांगे फिर लै जांगे इहनू रख लै कोल इहदी सेवा करी ओह कहिंदी बाबा जी तोते दी सेवा करना भला किवें होजूगा महात्मा कहिंदे इह तोता भोजन तों बिना सार लूगा पर इह भजन तों बिना नहीं सारदा तड़के उठ के अमृत वेले इहनू नाम जपाउणा पैंदा है तीन बजे चार बजे उठ के इहनू राम राम कहना पैंदा है मगर बोलदा है फिर भावे सारी दिहाड़ी इहनू कुछ ना खाण नू दिओ सार लैंदा चूरी बिना पर भजन बिना नहीं सारदा किते नित नेम विच बंधा ना इहदे पै जाए पक्का नेमी है गणका कहिंदी महाराज मैं नेम लवाऊंगी पिंजरा रख लिया बड़ी खुश आ भी तोता बोलण वाला घरे आ गया बाबा जी चले गए हुण गणका रोज अमृत वेले उठदी है तोते दे बहाने उठ के इशनान करदी है ते तोते नूं ठालदी है बोल बई कह राम मूहरे आप बोलदी है मगर तोता बोलदा है लै वेख लो डबल पुन्न नानक भौज लपार परे जो गावे प्रभ के गीत वाहिगुरु नूं गाउणा इहनूं ही कहा जांदा है किते कल्ला आए नहीं भी हुण मैं बाजे ना गा रहा भी खनी मैं ही गा सकदा तुसी कल्ले बैठे नाम जपदे वाहिगुरु नूं गाउंदे हो सच्चे पातशाह कहिंदे ऐ गावन तुद नूं सिद्ध समाधि अंदर गावन तुद नूं साध विचारे जिहड़ा चुप करिया बैठा वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा उह चुप दे विच ही तैनूं गा रहा ते जिहड़ा बोलणों ही नहीं हटदा मेरे वांगू बोलदा ही रहिंदा ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਐ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਐ ਹੁਣ ਗਣਕਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਤੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਲੈ ਭਜਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਣਕਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਖੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਗਣਕਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫਾਈ ਬਾਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੈ ਆਈ ਗਣਕਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੋਤਾ
पिंजरे च वड़न का राह ते सी बाहर निकलन का राह ही नहीं सी। तोता मर गया ते सप विच ही बैठा है। हनेरा मीह पिया होया गनका उठी बह गई पिंजरे कोल। लै गंगा राम कह राम हुण अगों बोलिया नहीं तोता। कह राम फिर नहीं बोलिया। राम कह फिर नहीं बोलिया। वो कहती है तो जाग पैंदा हुंदा अमृत वेले ये किवें सौं गया। इहनूं तां पता है अमृत वेले दा महात्म की है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਰਾਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਹਜੇ ਰਾ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਨਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਡ ਗਏ। ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗਨਕਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੁਰਗਾਂ ਚੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਵਾਨ ਉਤਰਿਆ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਬਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਕੋਠੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਨਿਆਣੇ ਸੂਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੂਗਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਜੇ ਮਰੈ ਵਧਤ ਤਰਲੋਕਨ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਹਰੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊਗਾ। ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਹਰੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਈਏ ਸੱਚੀ ਖੰਡ
जे किते अखीर दे टाइम तैनू रब चेते आ गया, महाराज कहंदे सीधा सचखंड जाएंगे। लै हुण कई कहणगे वी इह तां फिर मौज ही बन गई, अंत काल नारायण सिमरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाकै हृदय बसै। बई इह तां मौज ही बड़ी है, सारी जिंदगी रब दा नां लैण दी लोड़ नहीं, अखीर दा समां जदों आऊगा उदों लै लांगे, ये तो फिर मौज ही बन गई। पर नहीं नहीं, जे सारी जिंदगी तू रब दा नाम नहीं ना लिया, अखीर दे समय तेनू रब चेते नहीं आऊगा, उदों भी फिर संसार ही चेते आऊगा। देखे नी घरां च बुढ़े मरदे, जदों अखीरला टाइम हुंदा है वी चमचा पाउंदे अंदर नू हुंदे आ ते बाहर नू आउंदा हुंदा है, उस टाइम भी बुढ़े रब दा नाम नहीं लैंदे, कहंदे हुंदे आ कनेडा वाली कुड़ी नू छड्ड ले, मैं दो गल्लां करनियां। देखे नहीं बुढ़े गल्लां करदे, आखे कनेडा वाली कुड़ी नू छड्ड ले, मैं दो गल्लां करनियां। वी हुण किहड़ियां दो गल्लां करनियां, हुण तां रब नू याद कर। पर किथे ओ टाइम रब चेते नहीं आउंदा हुंदा, रब तैनू तां याद आऊगा जे सारी जिंदगी रब नू ध्याया होऊगा, नहीं उदों भी होर ही कुछ चेते आउंदा हुंदा। एक बुढ़ा मरन लग्या उधर साडे इलाके च अखीरले टाइम ते पिया, ते पिंड च लागी गाउण वाली कहिंदा कुंडा खोल दिओ कन्न सफले होणगे, कुंडा खोलो जो देखता शक जाणी, कहिंदा हुण सुणता लईए कन्न तां सफले कर गई। कानू रब याद आउंदा अखीर दे टाइम, फिर जे सारी जिंदगी तू वाहिगुरु नू ध्याया उदों भी वाहिगुरु तैनू तां ही याद आउंदा। गनका ने अखीर दे समय रब नू ध्याया सी, ते भाई गुरदास जी कहंदे ऐ फिर बवाना दे चढ़ के गनका सचखंड गई, उहदा पापां दा पहाड़ पै गया। विचार आरंभ कीती सी वाहिगुरु दे नाम दी वडियाई, वड्डे वड्डे पापियां दा भला उहदा नाम जपती होया। सच्चे पातशाह कहंदे ऐ देवा पाहन तारी ले राम कहत जान का सना तरे, कौन नहीं तरिया, तारी ले गनका बिन रूप कुबजा, व्याद अजा मल तारी ले अजा मेल दा भला भी वाहिगुरु की भगति करके होया। दासी सुत जन विदर सुदामा उगर सैन को राज दिए, सुदामे दा भला भी नाम जप के होया। अगे फिर धन बाबा नामदेव जी कहंदे जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी देव तरे, नामदेव क्यों नहीं तरूगा, जद बड़े बड़े पापी तर गए ते नामदेव दा भला क्यों नहीं होगा। ओ मूर्ख मन, जद गनका दा भला हो गया, देवे पंडे दा भला हो गया, नाम जप के सिमरन करके तू वाहिगुरु की बंदगी कर, तेरा भला किवें ना होगा। इस राह ते चल के देख फिर तेरे ते कृपा होगी। आओ अज दी विचार आपां नाम दी महिमा तो शुरू कीती सी, रंका तारियो बंका तारियो तारियो सदन कसाई, सुआ पड़ावत गनका उधरी तारी मीरा बाई, वड्डे वड्डे पापी तेरा नाम जप के तर गए। नाम दी कमाई करो, सेवा ते सिमरन करो, फिर साडे लोक सुखीए परलोक सहेले हो जाणगे। सो अज पहले दिन दा आनंद आपां माणिया, बहुत प्यार दा सबूत दे के भाई तुसी बहुत ही शांति दा माहौल बना के आनंद माणे आ। पहली बारी तुहाडे नगर च दीवान लगे लगदा, पता नहीं इत्थे पहली बारी आए आपां, बहुत प्यार दा सबूत दे के आनंद माणे आ। कल नूं दिन दा दीवान सजूगा, वध चढ़ के संगतां पहुंचियो, पहुंच के लाहा प्राप्त करियो, इस हिसाब दे नाल कल नूं संगत बहुत हो जाणी आ पंडाल।